सुबह उठने के साथ मेरा फ्रेंड मुझे फ़ोन करके बोलता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, और हम लोग का प्लान बन जाता है कि जाना है। और इसी के साथ मैं फटाफट रेडी होता हूँ टूर के लिए। अब मैं फटाफट तैयार हो ही रहा था कि इतनी देरी में मेरी भांजी आ गई और वो मुझे देखने लगी। तो सोचा भांजी को भी दिखा देता हूँ कि हमारा ब्लॉग शूट हो रहा है। परंतु मेरी भांजी का दिमाग कहीं और था, क्योंकि अभी वो उठ के आई थी। उसे पता नहीं था कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, उसका ब्लॉग बन रहा है। तो मैं उसके सिर को पकड़ के पीछे की ओर घुमाता हूँ ताकि वो देख सके कि उसका ब्लॉग बन रहा है। और जैसे ही मैं उसे बताता हूँ कि देखो तुम्हारा ब्लॉग बन रहा है, वो कैमरे की तरफ लपक जाती है, मतलब उसे फ़ोन चाहिए। परंतु अगर मैं भांजी को अपना फ़ोन दे देता हूँ तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा। इसलिए भांजी को टाटा करके मैं निकल जाता हूँ अपने दोस्तों के पास, जो कि अपना कार लेके आए हैं और जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं अब हमारे मित्र से। और मित्र को मेरा जैसे ही पता चलता है कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, वो खुशी के मारे हंस देते हैं। और इस कार में पूरे 4 लोग बैठे हुए थे और मैं बना 5वां सदस्य। अब इसी के साथ अब हमारा जर्नी स्टार्ट होता है, जहाँ हम लोग 4 लेन के रूट से कन्हरी पहाड़ को टाटा बाय बाय करके सीधा निकलते हैं हाईवे की तरफ। और जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं टोल प्लाजा पर, हमारे सामने चल रही गाड़ी अचानक रुक जाती है, जिसके कारण से लग जाती है भीड़। और बहुत हॉर्न मारने के बाद भी सामने से गाड़ी नहीं हट रही थी, जिसके कारण मेरे मित्र को आ जाता है थोड़ा गुस्सा और ये सोचते हैं कि जाएंगे अब तो मेन ही गेट से। फिर उचित निर्णय लेने के साथ टोल प्लाजा हम लोग पार करते हैं। अब बारी थी हमारे कार में पेट्रोल डालने की, और इसी के साथ हम लोग पहुँचते हैं पेट्रोल टंकी, जहाँ पेट्रोल भर रहे व्यक्ति को हम बोलते हैं कि टंकी फुल कर देने। और फिर हम लोग लग जाते हैं अपने पैसे को एकत्रित करने के लिए। इसी बीच पेट्रोल भर रहे व्यक्ति को पता चल जाता है कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, और वो देख के अनदेखा कर देता है। और फिर ये सब होने के बाद हम लोग करते हैं पेट्रोल पंप को टाटा बाय बाय, और इसी के साथ फिर हम लोग पकड़ते हैं हाईवे, जहाँ हाईवे के साथ हम सब निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। रास्तों का लुत्फ उठाते उठाते हमें ये स्मरण होता है कि हमारा कोई मित्र आगे इंतज़ार कर रहा है। और फिर हम करते हैं उन्हें फ़ोन और पूछते हैं कि वो कहाँ है। वो अपना लोकेशन शेयर करने के बाद हम लोग फिर पहुँच जाते हैं उसके द्वारा दिए गए लोकेशन पे, जहाँ हमारी मुलाकात होती है हमारे पुराने मित्र से। और आइए अब सुनते हैं हमारे बीच क्या वार्तालाप हुआ। मिला नहीं मिला बताओ लाइसेंस मिला कि नहीं मिला? गाड़ी चला रहा रे, बिना हेलमेट कैसे? बिना वही तो गधा, ला ला चला ला। बिना लाइसेंस कह रहे? तोर लाइसेंस हां हमारा लाइसेंस है। कौन दिया? कौन दिया? अभी देखा 500 रुपए ला दो तो नहीं नहीं लेकिन उसे पता नहीं था कि उससे भी ज्यादा मैं प्रसन्न था, क्योंकि मेरी 12वीं की कक्षा में ये मेरे साथ बैठा करते थे। हमारी 12वीं की कक्षा साथ में ही पढ़ाई हुई थी और बहुत सालों बाद यह मुझे मिला था। अब हम लोग निकलते हैं फटाफट से अपनी मंजिल की ओर, जहाँ रास्तों का लुत्फ़ उठाते और सीधे पहुँचते हैं अपनी मंजिल पास। और ये है हमारे मंजिल का मुख्य द्वार, जहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं। और अंदर के जाने के बाद रास्तों का थोड़ा सा लुत्फ़ लेते हुए हम लोग करते हैं अपने गाड़ी को पार्क,
जहां हम लोग अपने जूते को खोलते हैं और थोड़ा अपना हाथ पैर को धो लेते हैं। धोने के बाद हम अपनी पूजा की सामग्री लेके प्रवेश करते हैं मंदिर में, और मंदिर की पहली सीढ़ी को प्रणाम करके हम बजाते हैं घंटी और अंदर चल जाते हैं। हम ये देखते हैं कि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ था, और कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भीड़ थोड़ी ख़त्म होती है तो हम लोग अंदर चल जाते हैं, जहां पंडित जी को अपनी पूजा की सामग्री सौंप देते हैं। और उसके बाद मेरे सभी मित्रों को मिलता है फूल माँ काली को चढ़ाने के लिए, पर मुझे नहीं मिलता है। पता नहीं क्यों, पर पंडित जी को मैं ध्यान में नहीं था। बहुत आवाज़ देने के बाद पंडित जी को ध्यान आता है और वो मुझे फूल देते हैं, और फिर मंत्र जाप शुरू होता है, और इसके बाद हमारी माँ काली की पूजा समाप्त होती है और हम निकलते हैं बाहर, जहाँ मंदिर की एक परिक्रमा करने के बाद हम मिलते हैं पंडित जी से, जो हमें मौली धागा पहनाते हैं, और उन्हें कुछ दक्षिणा चढ़ाने के बाद हम लोग निकलते हैं बाहर। और अब बारी थी नारियल फोड़ने की। हम लोग मिलते हैं एक पंडित जी से, उन्हें कहते हैं कि हमें नारियल चढ़ाना है, और वो मंत्र को शुरू करते हैं, और मंत्र की समाप्ति के बाद हम लोग फोड़ते हैं नारियल, और वहाँ से फिर थोड़ी सी आगे निकलने के बाद हम सभी मित्र फिर लगवाते हैं महाकाल तिलक। महाकाल तिलक लगवाने के बाद पंडित जी को कुछ दक्षिणा देने के बाद हम निकलते हैं एक वृक्ष की पूजा करने की, जो कि आम की थी। आम की वृक्ष की पूजा करने के बाद हम सभी निकलते हैं बजरंगबली के मंदिर, और बजरंगबली की पूजा करने के बाद हम सभी निकलते हैं शनिदेव मंदिर, और शनिदेव जी की पूजा करने के बाद हम निकलते हैं शिव मंदिर, और शिव मंदिर के पूजा करने के पश्चात हमारी पूजा होती है समाप्त। उसके बाद हम सभी मित्र एकत्रित होकर फोटो क्लिक करवाते हैं। और इसके बाद हम सभी निकल जाते हैं माँ भद्रकाली मंदिर से बाहर। अब माँ भद्रकाली मंदिर से बाहर निकलने के बाद हम अपनी प्रसाद को करवाते हैं पैक, और गाड़ी को करते हैं पैक, और फिर गाड़ी में बैठ